हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में हमने कल चर्चाएं शुरू की थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों। और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या देख लिया था थोड़ा सा उसका रिवाइज करके आज आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्या क्या चर्चाएं हमने कर ली थी, सबसे पहले हमने बात की थी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। और गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना कर दी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम कहा जाता है सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ इसके पिता सुद्धोधन, माता मायावती, इसकी पत्नी यशोधरा कौन थी, और यशोधरा के गर्भ से एक राहुल का नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। इसके कौन हुआ था भाई, राहुल नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था, किसके, बौद्ध धर्म। ठीक है, अब बात करें तो कहा जाता है कि क्या कंडीशन होती है कि ये सारी चीजें देखते हैं। नेपाल के तराई नामक क्षेत्र में लुम्बिनी गांव में इसका जन्म होता है, किसका, गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग करते थे। क्या करते थे, ग्रह त्याग करते थे, अर्थात संन्यास में लेते था। और उसी समय कहा जाता है कि इसी से पहले बात करें तो क्या कंडीशन होती है इससे पहले कि ये एक दिन कौन, इसके माता पिता ऐसे टहल कर कदमी करने एक गार्डन वार्डन में घूमने गए थे। उसी दौरान क्या होती है, एक भविष्यवाणी होती है, ऊपर से भविष्यवाणी होती है। और भविष्यवाणी के दौरान ही क्या होता है प्यारे दोस्तों, वो दौरान क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि वहां पर कहा जाता है कि भविष्यवाणी होती है कि आपके गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वह तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी कौन सुन सकते, इसके माता कौन, इसके माता पिता को पता चल जाता है। और इसके माता पिता को जब पता चल जाता है ऐसी भविष्यवाणी की, तो ये टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा पहली संतान, और पहली संतान भी क्या बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो ये तो बहुत बुरा काम है भाई, बहुत बुरा काम है। तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों उनके टेंशन हो जाती है, टेंशन ही टेंशन में जैसे ही पुत्र का जन्म होता क्या होता भाई, माँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म होते ही कहा जाता है सिद्धार्थ का जन्म हुआ, या ठीक है, इसके 7 दिन बाद इसकी माता जी का यह देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी माता जी का देहांत, महामाया का देहांत हो जाता है। इसका लालन पालन करती इसकी मूर्ति गौतमी, प्रजापति गौतमी के द्वारा इसका पालन पोषण किया जाता है। पालन पोषण करने के पश्चात कहा जाता है कि इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में किससे, यशोधरा से हो जाता है। यशोधरा से हो जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे पुत्र प्राप्त होता है राहुल, क्या नाम होता है उसका, 12 वर्ष बाद, यानी विवाह के 12 वर्ष बाद इसे पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम राहुल रखा गया। उसके बाद कहा जाता है कि 29 वर्ष की आयु में ये ग्रह त्याग कर देते हैं। क्यों करते थे, क्योंकि ये एक दिन कहा जाता है कि शहर की भ्रमण करने के लिए या नगर भ्रमण के लिए गए हुए थे। नगर भ्रमण करने के जाने के पश्चात सबसे पहले ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, किसको देखते हैं, सबसे पहले जर्जर बूढ़ा हुआ व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं प्यारे दोस्तों, सौ जात सौ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था उसको देखते हैं। उसके पश्चात क्या कंडीशन, मदमस्त सन्यासी को देखते हैं। सबसे अच्छा जीवन किसका माना इन्होंने, सन्यासी का माना, तो जो उसी दिन से ही सोच लेते हैं ग्रह त्याग करने की। उस दिन फिर घर आते, घर आने के पश्चात एक पीपल का पेड़ था इनके घर पे नीचे, घर के प्रांगण में कहा जाता है, उस पेड़ के नीचे कुछ देर तक तपस्या करने लग जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आज इनके माता पिताओं ने देखा कि आज कुछ मामला ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है, तो कुछ वेश्या वगैरह इस तरीके की जो उसके अर्थात आमोद प्रमोद की चीजें लाकर उसके सामने रख दी जाती है। और रात में जब इसको नशा पान करवाया जाता, नशा पान करवाने के पश्चात जब रात इसको नींद आ जाती है तो ये अपने आप को वेश्याओं के बीच में पाता है, तो ये और टूट जाता है कि ये क्या दृश्य, ये क्या कीचड़ है साला। इसको देख कर कहा जाता है कि इसका मन द्रवित हो जाता है। और उसी समय मध्य रात्रि को कहा जाता है कि एक झलक किसकी देखता है, अपनी पत्नी की, और दूसरी झलक अपने पुत्र की। और कहा जाता है कि उसी दौरान घर से निकल आता है बाहर, और घर से बाहर निकल कर इनका ग्रह त्याग कर देता है। अपने घोड़े घोड़े घोड़ा और घोड़ा कंतक और सारथी छंदक दोनों को लेकर कहाँ चला जाता है, अनोमा नदी के तट पर चला जाता है। अनोमा नदी के तट पर जाने के पश्चात पर दोस्तों क्या होता है, इनको तो वापस दोनों को वापस भेज देता है। वहीं से कसाई वस्त्र धारण, यानी कि गेरुए कलर की जो भगवा वस्त्र होते हैं उनको धारण कर लेता है कौन, महावीर कौन कौन सॉरी गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है कि ये सबसे पहले वैशाली जाता है, वैशाली में अलार कलाम के पास जाता है, उनको गुरु बनाता है, अलार कलाम को गुरु बनाता है। गुरु बनाने के पश्चात प्यारे दोस्तों जब इनको संतुष्टि नहीं होती उनसे, तो ये यहाँ से निकल जाता है, राजगृह चला जाता है। राजगृह जाकर कहा जाता है कि यहाँ पर रामपुत को, रुद्रक रामपुत को क्या बनाता है, ये
अपना गुरु बना देता है। गुरु बनाने के पश्चात लेकिन कहा जाता है यहाँ भी इसे संतुष्टि नहीं मिलती, कहा जाता है ये उरुवेला की घाटी में भटकता फिरता है, कई पहाड़ियों के बीच उरुवेला की घाटी में भटकता है, वहीं पर इसे पांच साथी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पांच व्यक्ति मिलते हैं, पांच जो सन्यासी मिलते हैं या सन्यासी टाइप के उसे व्यक्ति मिलते हैं, तो उनसे पूछता है कि आप किधर, कि आप किधर, तो कहा जाता है इनके बीच में वार्तालाप होता है कि हम ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटक रहे, तो कहा जाता है छेऊ मिलकर, कौन कौन प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि कौंडिन्य बप्पा और कहा जाता है कौंडिन्य बप्पा और कौन था एक तो महानामा और भदी है और कौन था प्यारे दोस्तों अंगिरस, ठीक है, ये पांच साथी मिलकर कहा जाता है एक जगह पर बैठ जाते हैं। बैठ जाने के पश्चात क्या करते हैं? तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करने समाधि में लीन हो जाते हैं। समाधि में लीन हो जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों? छह वर्ष की तपस्या बीत जाती है लेकिन इनको इनका शरीर कांटे की तरह सूख जाता है लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता। एक दिन क्या होता है कि यहीं से एक महिला गुजर रही थी जिसके हाथ में खीर का कटोरा था, उस खीर की खुशबू इनके नाकों में जाते हैं, ये अपनी तपस्या से भंग हो जाते हैं और दौड़कर कहा जाता है कि उसको खीर को खा लेते हैं। कौन? सिद्धार्थ खीर को, उसका नाम था सुजाता नामक महिला से खीर छीनकर खा जाते हैं। खा जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों वो बाकी के पांच लोग थे इनको गालियां देने लग जाते हैं, तू पाखंडी है, ये वो, दुनिया भर की गालियां देने के पश्चात कहा जाता है। अब क्या होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाने के पश्चात कहाँ जाना चले जाते हैं? ये पास में बोध गया था। कहाँ पर था? गया नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे। यहाँ पर कौन सी? पुनपुन नदी, या फिर बात करें कौन सी नदी, निरंजना नदी के तट पर बैठ जाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे और वहां पर लगातार 8 दिन तक तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 8 दिन तक फिर तपस्या करते हैं। फिर कहा जाता है कि 8 दिन की तपस्या के बाद 8 दिन बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि ये बोधि वृक्ष, ये वृक्ष तो क्या कहलाता है? बोधि वृक्ष कहलाता है और ये स्थान कहा जाता है बोध गया कहलाता है। गया का नाम से क्या कहलाता है? बोध गया कहलाता है। ये वृक्ष जो पीपल था वो बोधि वृक्ष कहलाता है और ये जो ज्ञान प्राप्ति की घटना ये संबोधि कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? संबोधि कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। और संबोधि कहलाने के पश्चात प्यारे दोस्तों यहीं से अब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? यहीं से सिद्धार्थ का नाम क्या हो जाता है? बुद्ध कहलाता है। और कहा जाता है गौतम इसके गोत्र वगैरह हुआ करता था, इस कारण इसे गौतम बुद्ध कहा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ से निकलकर सबसे पहले सारनाथ जाता है। कहाँ जाता है भाई? सारनाथ जाता है और प्रथम उपदेश देता है। अपना क्या देता है? प्रथम उपदेश देता है। और प्रथम उपदेश देने के बावजूद कहा जाता है प्यारे दोस्तों प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके प्रथम उपदेश को? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ये उन पांच साथियों को, सबसे पहले पांच साथी और एक व्यापारी जो सृष्टि कहलाता था उसका नाम था यश, उन पांच साथियों को सारनाथ नामक स्थान पर क्या देता है? प्रथम उपदेश देता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। इनके ग्रह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती। क्या कहलाती? महाविनिष्क्रमण कहलाती। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या बातें कर ली थी हमने, यहाँ तक चर्चाएं कर ली थी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये राहुल 16 वर्ष की आयु में पश्चात हमने देखा था कार से बोधि वृक्ष के नीचे ये सारी चीजें। बीमार व्यक्ति चार दृश्य देखता है, एक बीमार वृद्ध व्यक्ति सौ और ये चार दृश्य देखता है। चार दृश्य देखने के पश्चात क्या कंडीशन होती, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। थोड़ा सा एक सिंपल तरीके से मैं देता हूँ आपको क्या है। चार दिन यहाँ तक के हमने चर्चाएं की थी, थोड़ा सा लिखते हैं। सबसे पहले इसके जन्म वगैरह तो हमने देख ही लिया था, किस प्रकार से देखा था, क्या देखा था भाई। सबसे पहले अब बात करें, इनके पत्नी भी देख ली, पुत्र भी देख ली थी, तो इसका पश्चात देखें। यहां से मैं लिखने का कार्य करता हूँ, आप समझने का कार्य। एक दिन ये कपिल वस्तु नगर की भ्रमण करने के लिए, कौन? सिद्धार्थ। एक बार सिद्धार्थ कपिल वस्तु नगर की भ्रमण के लिए जाता है। भ्रमण के लिए जाता है। कहाँ जाता है भाई?
कपिल वस्तु नगर भ्रमण के लिए जाता है, कौन जाता है? सिद्धार्थ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जाता है तो उन्होंने चार दृश्य देखी, चार दृश्य देखिए, क्या देखिए भाई? चार दृश्य देखी, चार दृश्य कौन कौन से प्यारे दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे। पहला पहला दृश्य देखा, क्या देखा? यानी कि पहला जो दृश्य देखा, यानी कि क्या देखा? जर्जर जर्जर पुरुष व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, या जर्जर जर्जर वृद्ध व्यक्ति का शरीर, वृद्ध व्यक्ति अर्थात अंतिम क्षणों में जो जा रहा था व्यक्ति, जर्जर वृद्ध व्यक्ति। दूसरी बात करें तो बीमार व्यक्ति, क्या देखा भाई? बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, चार दृश्य देखे। के पश्चात शव यात्रा, कौन सी शव? तो जो शमशान के लिए ले जा रहा है, तो जिसे अंत्योष्टि के लिए, अंत्योष्टि अंत्योष्टि के लिए ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, और पांचवा, सॉरी चौथा, क्या देखा भाई? चौथे की बात करें, चौथा क्या देखा? चौथा देखा इन्होंने सन्यासी, क्या देखा? सन्यासी, मस्त सन्यासी, यानी कि जो भगवान के भक्ति में लीन है और भजन कीर्तन कर रहा है। ये चार दृश्य इनके द्वारा देखे। चार दृश्य देखने के पश्चात कहा जाता है यार दोस्तों, और क्या कहा जाता है? इन दृश्यों को देखकर क्या कंडीशन होती है? इन दृश्यों को देखने के बाद क्या होता है भाई? इन दृश्यों को देखने के बाद 29 वर्ष की आयु, कब प्यारे दोस्तों? 29 वर्ष की आयु में, आयु में सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ग्रह त्याग कर देता है, ग्रह त्याग कर देता है, क्या कर देता है भाई? ग्रह त्याग कर देता है 29 वर्ष की आयु में, क्या करता है? ग्रह त्याग करता है अपने अपने पत्नी व पुत्र को छोड़कर, अपनी पत्नी व पुत्र को छोड़कर, अपने और पत्नी और पुत्र को छोड़कर ग्रह त्याग कर देता है। कौन? और माता पिता सबको छोड़कर आ जाता है। ग्रह त्याग की घटना को, ग्रह की बात करें भाई, ग्रह ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनकी जो ग्रह त्याग की घटना है उसको क्या कहते हैं भाई? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये यहाँ से अनोमा नदी के पहुंचे तथा भिक्षुकों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ग्रह त्याग किया तो किस किस के साथ ग्रह त्याग किया? तो देखिए सबसे पहले इनके साथ, इनके साथ अनोमा नदी के तट तक, अनोमा नदी के तट तक थोड़ा कंथक, कंथक वह सारथी, सारथी कौन आया था? छंदक, छंदक या छन्ना, छन्ना इसका नाम मिलता है भाई, छन्ना भी मिल जाता है, छन्ना आता है। कौन
कौन कौन साथ आते हैं इसके साथ? अनोवा नदी के तट पर, और यहीं से क्या कर लेते हैं, ये इस स्थान से क्या कर लेते हैं, यहीं से कसाय वस्त्र, कसाय वस्त्र धारण करते हैं, कसाय वस्त्र धारण करते हैं। कौन से वस्त्र धारण कर लेते हैं? कसाई वस्त्र धारण कर लेते हैं, जो सन्यासियों के जो वस्त्र होते हैं प्यारे दोस्तों, उनको धारण कर लेते हैं। कौन कर लेता है? सिद्धार्थ। अब बात करें प्यारे दोस्तों, इस घटना को, गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? निष्क्रमण कहा जाता है। हाँ भी, निष्क्रमण कहा जाता है। तो इसके पश्चात फिर लिखेंगे, चलिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं ये? सबसे पहले कहाँ जाते हैं भाई ये? जाते हैं वैशाली। कहाँ जाते हैं? वैशाली। और वैशाली में जाकर किसको किसको अपना गुरु बनाते हैं? यह आलार कालाम को, आलार कालाम को, आलार कालाम को कहाँ पर? सबसे पहले वैशाली में आलार कालाम को गुरु बनाते हैं। आलार कालाम को गुरु बनाते हैं, ठीक है। इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। किस शिक्षा लेते हैं भाई? शिक्षा लेते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। सबसे पहले ये किसकी दर्शन शिक्षा लेते हैं? सांख्य दर्शन की। आलार कालाम इनके प्रथम गुरु थे। आलार कालाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कालाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि यहां से भी ये संतुष्ट नहीं होते तो कहां चले जाते हैं भाई? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, कहां चले जाते हैं? यहां संतुष्टि नहीं मिलने के बाद कहां चले जाते हैं भाई? इसके बाद ये कहां जाते भाई? इसके बाद ये कहां चला जाते? राजगीर। कहां चले जाते? राजगीर। कहां चले जाते? राजगीर में रामपुत्र, राजगीर में रामपुत्र को दूसरा गुरु बनाते, ठीक है। कहाँ पर? दूसरे नंबर का जो गुरु बनाते तो रामपुत्र को बनाता। यहाँ पर भी कहा जाता है इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, रामपुत्र को क्या बनाते भाई? ये दूसरे नंबर का गुरु बनाते। और कहा जाता है यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते, और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कहा जाता है कि ये क्या थे? ये एक प्रकार के योगाचार थे। क्या थे ये? ये योगाचार थे। क्या थे? योगाचार। रामपुत्र क्या थे? ये योगाचार्य थे, और योग की शिक्षाएं दिया करते थे। ये इसके दूसरे गुरु थे। किसके? अर्थात दूसरे नंबर के गुरु थे। किसके? सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे। कौन? रामपुत्र। तो कहाँ पर? राजगीर में। कहाँ पर बनाते ये? राजगीर में। ये राजगीर में इनको दूसरा गुरु बनाया जाता है। किसके द्वारा? सिद्धार्थ के द्वारा। लेकिन यहाँ भी ये संतुष्ट नहीं होते, ठीक है। रामपुत्र का एक और नाम मिलता है इनका, उदक पिंडक का एक और नाम मिलता है। क्या मिलता है? उदक पिंडक। यहाँ पर ध्यान रख लेना, उदक पिंडक। रामपुत्र का और क्या नाम मिलता है भाई? इनको क्या कहते हैं? उदक पिंडक। क्या कहते हैं? उदक पिंडक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदक पिंडक। उदक पिंडक ये इनका नाम है। रामपुत्र का क्या नाम है? उदक पिंडक, ठीक है। ये इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है। दोनों नाम किसके? ये रामपुत्र के है, ठीक है। रामपुत्र के ये दोनों नाम माने जाते हैं। उसके पश्चात क्या कंडीशन होती है भाई? कहाँ गए थे ये? इसके बाद बात करें तो ये कहाँ चले गए थे भाई? चलिए उरुवेल की घाटी में चले जाते हैं। के पश्चात जब राजगीर में इनको सब ज्ञान जब
राजगीर में यह कौन सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए, सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए तो ये उरुवेला की घाटी में, उरुवेला घाटी में चले जाते हैं। चले गए और यहाँ यहाँ पांच साथियों के साथ तपस्या की, तपस्या की। क्या की भाई? समाधि लगाकर बैठ गए। और पांच साथी कौन कौन थे उनका भी नाम लिखते हैं। कोडन्ने, वप्पा, भदिये, असांगी, वामना। पांच साथी कौन थे इसके? पांच साथी कौन कौन से थे यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पांच साथी कौन कौन हैं? कोडिन्ने, वप्पा, असांगी, ठीक है, असांगी, महानामा, एक कौन सा बच गया भाई? कोडिनेमा, चलिएगा भाई, ठीक है। और एक भदिया, ठीक है, भदिया या भादिया, ठीक है। ये पांच साथी है, इनके साथ मिलकर क्या करते हैं ये यहाँ पर एक उरुवेला की घाटी में क्या करते हैं कि इनके पांच साथी थे, इनके साथ क्या करते हैं ये तपस्या करते हैं। पांच साथी कौन कौन से थे? ये पांचों साथी कहा जाता है कोडिन्ने, वप्पा, अशागी और महानामा और भदिया। इनके साथ मिलकर क्या करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर प्यारे दोस्तों? इनके साथ मिलकर तपस्या करते हैं। कहाँ पर करते हैं भाई? ये उरुवेला की घाटी, ठीक है, याद रखिएगा। अब कहा जाता है जब इनको यहाँ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, कितने वर्ष तक करते हैं इनके साथ मिलकर ये तपस्या? छह वर्ष तक तपस्या करते हैं भाई, 6 वर्ष तक। अब आगे बात करें, जो हम चर्चाएं कर चुके हैं उनको लिख रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो इसके बाद बात करें तो देखें क्या कंडीशन होती है। कहा जाता है कि सुजाता नामक महिला के हाथ से खीर खाकर 6 वर्ष बाद सुजाता नामक महिला के हाथ से खीर खाकर 6 वर्ष बाद तपस्या भंग की, ठीक है, तपस्या भंग कर दी थी सुजाता नामक महिला के हाथ से खीर खाकर। कहा जाता है कि तपस्या भंग कर दी थी किसने? सिद्धार्थ ने, ठीक है। उसके बाद इधर चले गए, इसके बाद कहाँ चले गए भाई? इसके बाद कहाँ चले गए? उरुवेला की घाटी से कहा जाता है। इसके बाद गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर 8 दिन बाद ज्ञान प्राप्त होता है। किनको?
सिद्धार्थ को कहा जाता है कि इसके बाद तपस्या भंग होने के पश्चात फिर 8 दिन की तपस्या करते हैं, वो निरंजना या पुनपुन नदी या फल्गु नदी के तट पर क्या होता है, ज्ञान प्राप्त तो हो जाता है। पर दोस्तों निरंजना कह दे इसी नदी को क्या कह सकते हैं अपन, या निरंजना कह दे पुनपुन, इसका नाम भी मिलता है वैसे पुन पुन, या फल्गु नदी, फल्गु नदी। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं, के तट पर किसको ज्ञान प्राप्त होता है, गौतम को, किसको, गौतम बुद्ध को, या इसके बाद ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए भाई, इसके बाद ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त बुद्ध पूर्णिमा को, कब हुआ, वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इन्हें ज्ञान, इन्हें ज्ञान प्राप्त बुद्ध पूर्णिमा कब, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कब हुआ भाई, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त होता है। और बात करें इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा, क्या कहा जाता है, इस बात से बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इनका जन्म भी किसके दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन कहा जाता है। पर दोस्तों इस कारण इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और इसे का बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा महत्व माना जाता है भाई, बौद्ध धर्म में इसका सबसे बड़ा महत्व माना जाता है, इस बुद्ध पूर्णिमा का, याद रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है, कहां पर, इस बौद्ध धर्म, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। चलिएगा आगे बात करने जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये जो वृक्ष है, जो स्थान है इनका, ज्ञान प्राप्ति का स्थान, तो वो तो कहलाया क्या, बोध गया कहलाया, उसके बाद क्या कहलाया, बोध गया। और वृक्ष है, वृक्ष क्या कहलाया, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, पीपल वृक्ष, कौन सा वृक्ष था भाई, पीपल वृक्ष, कौन सा, पीपल वृक्ष था, किसका वृक्ष था, पीपल वृक्ष, ठीक है, पीपल का पेड़ था। और इनका ज्ञान प्राप्त होने, ज्ञान प्राप्त होने का जो घटना है, ज्ञान प्राप्ति की घटना, प्राप्ति की घटना क्या कहलाती भाई, संबोधि, क्या कहलाती, संबोधि, क्या कहलाती, संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है क्या कहलाती भाई, संबोधि कहलाती, क्या, ज्ञान प्राप्त करने का स्थान तो क्या कहलाए, उसके बाद बोध गया, यानी कि उसके बाद से ये गया क्या हो गया, बोध गया हो गया, उसके पश्चात से कहा जाता है कि स्थान है, तो बोध गया वृक्ष, बोधि वृक्ष, और जो पीपल वृक्ष था ये, ठीक है। और इसके बाद इस घटना को क्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहा जाता है भाई, कि ज्ञान प्राप्त घटना को कहा जाता संबोधि। ठीक है, इनका प्रथम उपदेश, ये कहाँ चले जाते हैं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारनाथ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ में इन्होंने, कहाँ पर, सारनाथ में इन्होंने, इन्होंने सिद्धार्थ ने, ठीक है, सारनाथ में बुद्ध ने, अब क्या कहलाएंगे ये, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए, प्रथम उपदेश दिए, उपदेश दिए किसको दिए भाई, दिया प्रथम उपदेश किसको दिए, एक तो पांच इनके साथी थे वो, ठीक है, पांच तो इनके साथी जिनका नाम ऊपर लिख लिया आपने, साथी प्लस एक श्रेष्ठी था, क्या, श्रेष्ठी या व्यापारी था, जिसका नाम था श्रेष्ठी, क्या था, श्रेष्ठी या व्यापारी, इसका नाम था यश, क्या नाम था, इसका नाम यस को दिया, मतलब छह व्यक्ति को, टोटल कितने व्यक्ति, छह व्यक्तियों को प्रथम उपदेश दिया, क्या, छह व्यक्तियों को प्रथम उपदेश कितने को दिया, छह व्यक्ति को दिया, कहां पर दिया, सारनाथ में, कहां दिया भाई, सारनाथ में, सारनाथ में कहां पर दिया इसने प्रथम उपदेश अपना, जो प्रथम उपदेश था वो कहां दिया, सारनाथ में। और प्रथम उपदेश देने की घटना को, प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता, प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता भाई, इस घटना को महा, क्या कहा जाता, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहा था, धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहा जाता,
प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता। इनके द्वारा जो दिया गया प्रथम उपदेश वो क्या कहलाया भाई, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, धर्म चक्र उपदेश कहलाया। ये पांच साथी कौन थे, ये ठीक है पांच ब्राह्मण थे या ब्राह्मण साथी थे, इनके द्वारा कहा जाता है कि तो ये याद रह जाएगा। अब बात करें तो ये एक ये धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, प्रवर्तन हो गया। और थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे, 35 वर्ष की आयु में इनको, 35 वर्ष की आयु में, कब वर्ष की आयु में, आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या हुआ भाई, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। कहाँ हुआ था वो अपन सब चीज लिख चुके हैं, कब हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, जिसे बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इनका जन्म भी इसी दिन हुआ, मृत्यु भी इसी दिन हुई, और ज्ञान भी प्राप्त इसी दिन हुआ पैर, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता। चलिए, तो सबसे पहले इनकी घटनाएं, इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं, उनको सभी को लिख लेते हैं एक तरफ से। तो एक तरफ तो क्या लिखेंगे अपन, घटनाएं लिखेंगे, दूसरी तरफ प्रमुख घटनाएं और फिर उनका नाम। ठीक है, सबसे पहले तो प्रमुख घटनाएं ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, प्रमुख घटनाएं, ठीक है, और इधर उनसे संबंध और उनके नाम क्या है, घटनाओं के नाम। ठीक है, एक तरफ तो घटनाएं और उन घटनाओं का नाम क्या है, कि सबसे पहले हम बात करें, इसकी बात करने जा रहे हैं भाई, इसके बाद हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो ध्यान रखना है। पहली घटना, सबसे पहली घटना मानी जाती है, देखिए क्या घटना मानी जाती है इनकी, सबसे पहले ग्रह त्याग, क्या ग्रह त्याग, क्या ग्रह त्याग, और ग्रह त्याग घटना को क्या कहा जाता, महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा जाता, महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा जाता भाई, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा जाता भाई, इनकी जीवन की ये पहली घटना महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग को क्या कहा जाता, महाभिनिष्क्रमण। दूसरा ज्ञान प्राप्ति, इसकी बात करें, दूसरी घटना, दूसरी घटना ज्ञान प्राप्ति, क्या ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की बात करें, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, संबोधि, क्या कहते हैं भाई, संबोधि, क्या कहते हैं, संबोधि, क्या कहते हैं इसको, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहकर संबोधित किया जाता, संबोधि। तीसरी घटना की बात करें, तीसरी घटना क्या, प्रथम उपदेश, क्या प्रिपेयर दोस्तों, प्रथम उपदेश, क्या प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, क्या उपदेश, प्रथम जो उपदेश दिए इनको क्या कहा जाता, धर्म चक्र परिवर्तन, क्या कहा जाता, धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहा जाता भाई, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता। ठीक है, उसके पश्चात बात करें नेक्स्ट घटना, नेक्स्ट बात करें तो क्या कंडीशन भाई, चौथी घटना, चौथी घटना कहा जाता है इनके मृत्यु, मृत्यु को क्या कहा जाता, महापरिनिर्माण, क्या मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है इनके, महापरिनिर्माण, क्या कहा जाता, महा, क्या कहा जाता भाई, महा परिनिर्वाण, क्या कहा जाता, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा लेना, अर्थात दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना, ये होता है इसका मतलब। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात आप सोचते हैं, आप कहते हैं ना कि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य का जीवन आता है, जाने कितने कीड़े मकोड़ों के जीवन लेता है, सबसे पहले कीड़ा वीड़ा पता नहीं क्या क्या बनता है, तो ये जीवन मरण का जो चक्र है, कीड़ा बना फिर मर गया, मच्छर बना फिर मर गया, मच्छर बन के भी आप आए और आदमी बना फिर मर गया, ये जीवन जन्म मरण का चक्र है, इससे मुक्ति मिल जाती है किसको, आत्मा को। ठीक है, इसको कहा जाता महापरिनिर्वाण। ठीक है, दीपक का बुझ जाना, ठीक है याद रखना इसका मतलब क्या है, ये ध्यान रखना। तो क्या मतलब लें प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, बुझ
जाना, ठीक है, या फिर बात करें जन्म जन्म मरण के चक्र से मुक्त, ठीक है, चक्र से मुक्त, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी कि अब ना तो जन्म होगा ना मरेगा, वो आत्मा क्या है शांति मिल, ईश्वर में विलीन हो जाती है वो, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या ये चीजें सारी क्या है, ठीक है, तो कहा जाता है कि द्वारा जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के पश्चात इनकी मृत्यु पर अलग अलग स्तूपों का निर्माण करवा दिया, क्या करवा दिया जाता है प्यारे दोस्तों, स्तूपों का निर्माण करवा दिया जाता है। कुछ तो कहते हैं कि मल्लों ने, कहा जाता है कि मल्लों ने इनकी मृत्यु पर इनका अंतिम संस्कार सही ठाट-बाट से किया, सभी तरीके से किया, और कहा जाता है कि स्तूपों का निर्माण करवाया जाता है। चलो एक एक चीज को देखते चलते हैं थोड़ा सा। स्तूप की बात करें तो इनकी मृत्यु पर कहा जाता है कि स्तूप भी बनवाया जाता है, क्या बनवाया जाता है भाई, स्तूप बनवाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ी सी घटना और इसके प्रतीक चिन्ह भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम, घटना और प्रतीक चिन्ह, ठीक चिन्ह। एक तो इनकी घटना जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, कि घटना और के प्रतीक चिन्ह, इसके अलग अलग प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह, ठीक, चिन्ह की बात करें, घटना और प्रतीक चिन्ह की बात करें, क्या क्या घटनाएं हैं क्या आपको, सबसे पहले इनकी जो घटना है वो किसकी बात करें प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो घटना है यहाँ पर घटना है गर्भाधान, क्या गर्भाधान का प्रतीक है इनका क्या है, हाथी, क्या है, हाथी, गर्भाधान का प्रतीक क्या है इनके, जब गर्भ हुआ था तो इसका प्रतीक माना जाता है आपका हाथी, क्या माना जाता है भाई, हाथी, क्या माना जाता है, गर्भाधान का प्रतीक माना जाता है इनके जीवन में हाथी। दूसरी घटना की बात करें, दूसरी घटना क्या है, गर्भाधान अर्थात इनके जन्म, जन्म का प्रतीक माना जाता है क्या, कमल या सांड, जन्म का प्रतीक जन्म, और जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है, कमल, क्या है प्यारे दोस्तों, कमल या सांड या बेल, सांड या क्या कहते हैं, बेल, ठीक है, सांड या बेल, ठीक है, ये इसके जन्म का प्रतीक माना जाता है। तीसरी बात करें, तीसरे नंबर पर इसकी घटना आती है, क्या घटना आती है, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, अश्व, ग्रह त्याग का, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है भाई, अश्व, अश्व यानी घोड़ा, क्या, अश्व, ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, अश्व यानी कि घोड़ा, क्या है प्रतीक प्यारे दोस्तों, ग्रह त्याग का अश्व। चौथी बात करें, यहाँ पर चौथी घटना क्या आती है इनके जीवन से संबंधित रखने वाली, जो चौथी घटना है वो आती है ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है ज्ञान। इसके बाद बात करें ज्ञान, ज्ञान का जो प्रतीक माना जाता है बोधि वृक्ष, क्या माना जाता है, बोधि वृक्ष, क्या माना जाता है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, क्या है, पीपल वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष क्या माना जाता है, इनके ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्या हुआ था भाई, ज्ञान प्राप्त हुआ था, किसको, बुद्ध को, ठीक है। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र, क्या कहा जाता है, प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, धर्म चक्र, क्या है। पांच नंबर की बात करें तो प्रथम उपदेश, क्या, प्रथम उपदेश, उपदेश का जो का उपदेश का क्या है प्यारे दोस्तों, इनका प्रतीक माना जाता है धर्म चक्र, क्या, धर्म चक्र, क्या माना जाता है, धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र इनका क्या माना जाता है प्यारे दोस्तों, प्रथम उपदेश का प्रतीक माना जाता है धर्म चक्र के साथ, ठीक है, इसके पास के साथ, के साथ, धर्म चक्र के साथ, ठीक है, ये क्या माना जाता है, इसका प्रथम उपदेश का क्या माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना। छह नंबर पर बात करें तो छह नंबर की बात करें तो इनका निर्वाण या मोक्ष का जो प्रतीक माना जाता है वो पद चिन्ह, क्या माना जाता है, निर्वाण या मोक्ष का प्रतीक चिन्ह, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण या मोक्ष, किसकी बात करें, मोक्ष, निर्वाण कह दे या मोक्ष ही कह दे, इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है पद चिन्ह, क्या माना जाता है, पद चिन्ह, क्या माना जाता है, पद चिन्ह, ये पद चिन्ह किसके प्रतीक माना जाता है, पद चिन्ह यानी पैरों का जो पद चिन्ह है वो मोक्ष या निर्वाण के साक्षी यार होते हैं और कहा जाता है इसी को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक माना जाता है सातवें नंबर पर ले तो मृत्यु, मृत्यु की बात करें
मृत्यु का प्रतीक जो माना जाता है, पर दोस्तों मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, क्या है स्तूप, क्या है स्तूप, मृत्यु का प्रतीक क्या माना जाता है स्तूप। ये सारे प्रतीक चिन्ह इसके जिन जन्म से लगाकर मृत्यु तक के सारे प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। तो गर्भाधान का प्रतीक क्या है हाथी, गर्भाधान का प्रतीक क्या है हाथी, जन्म का प्रतीक क्या है जन्म का कमल या सांड, ठीक है। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है आंसू, ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है आंसू। उसके पश्चात ज्ञान का प्राप्त, ज्ञान प्राप्त को करने को क्या कहते हैं बोध वृक्ष, बोध वृक्ष या बोधि वृक्ष, क्या है बोधि वृक्ष, क्या बोध वृक्ष या बोधि वृक्ष, ठीक है बोधि वृक्ष, क्या बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्म चक्र के साथ, धर्म के साथ क्या करना ज्ञान प्राप्त कर लेना। उसके पश्चात बात करें निर्वाण का जो प्रतीक माना जाता है, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है पद चिन्ह, और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है क्या माना जाता है भाई स्तूप, क्या माना जाता है स्तूप माना जाता है। इनके मृत्यु का प्रतीक चिन्ह किसको माना जाता है स्तूप को माना जाता है। यहाँ पर देखें तो बात करें तो क्या कंडीशन होती है, चलिएगा थोड़ा सा मैं स्तूप बनाकर बता देता हूँ आपको स्तूप को किस प्रकार से क्या कंडीशन है। स्तूप देखें आप, स्तूप इस प्रकार का एक आकृति होती है भाई, कार का बना होता है स्तूप, तरीके से बना होता है, क्या बना होता है कार से स्तूप बना होता है, ठीक है स्तूप बना होता है। और स्तूप की बात करें प्यारे दोस्तों तो इसके आगे आगे कहा जाता है यहाँ बगल में कुछ जो ये बना होता है, क्या बना होता है इसके बगल में यहाँ पर इस तरीके के प्रदक्षिणा या इस तरीके के कुछ बने होते हैं, गोल गोल चबूतरे टाइप का बने होते हैं। और उसके बाद बात किया जाए तो इसके ऊपर ऊपर भी यहाँ पर क्या बना होता है इस तरीके का बना होता है। ऊपर बना होने के पश्चात यहाँ पर एक ये ध्वज टाइप का लगाया जाता है, और ध्वज टाइप का लगाने के पश्चात पैर दोस्तों इसके कहा जाता है कि क्या यहाँ पर इस तरीके के कलश लगाए जाते हैं, क्या वह तरीके के कलश लगा दिए जाते हैं, तीन कलश लगा दिए जाते हैं इसके ऊपर, क्या लगा दिए जाते हैं स्तूप के ऊपर तीन कलश लगा दिए जाते हैं। ये जो कहा जाता है बुद्ध धम्म संघ का प्रतीक माने जाते हैं, किसके प्रतीक माने जाते हैं बुद्ध धम्म और संघ का प्रतीक माने जाते हैं। ये तीनों कलश किसके प्रतीक माने जाते हैं बुद्ध धम्म संघ का प्रतीक माने जाते हैं। उसके बाद बात करें तो इसके नीचे वाला ये भाग है, ये जो भाग देख रहे हैं प्यारे दोस्तों ये वाला भाग, इस भाग को क्या कहते हैं हर्मिका, क्या कहते हैं हर्मिका, इसको ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, ये स्तूप का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और कहा जाता है यहाँ पर पूजनीय वस्तुएं रखी जाती है या भोजन सामग्री को रखा जाता है, क्या पूजनीय वस्तुएं या भोजन सामग्री को रखा जाता है, जिससे कहा जाता है कि क्या ये सबसे पवित्र स्थान इसका हर्मिका को माना जाता है। और बात करें तो कहा जाता है पर दोस्तों ये जो इसके बगल में जो बनी होती है इधर, ये क्या बनी होती है ये वेदिका कहलाती, क्या कहलाती ये वेदिका कहलाती, अर्थात हवन वेदी वगैरह बनाए जाते हैं, दोनों तरफ बने होते हैं, ये वेदिका बनाई जाती है हवन वगैरह के काम में ले लिए जाते हैं। और इसके बाहर जो देख रहे हैं अपन ये गोल होता है, पूरा गोल होने के साथ साथ यहाँ पर क्या बनाया जाता है एक पथ बनाया जाता है, इस तरीके से चारों ओर घूमने का एक पथ बनाया जाता है जिसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ, क्या कहा जाता प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ, क्या कहा जाता भाई प्रदक्षिणा पथ कहा जाता, क्या कहा जाता प्रदक्षिणा पथ कहा जाता, यानी कि इसके चारों ओर क्या किया जाता परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता। और बात करें प्यारे दोस्तों तो कहा जाता है कि क्या कंडीशन होती है, ये जो होती है इसकी ये वाला भाग है ये कहलाता मेधी, क्या कहलाता मेधी कहलाता, क्या कहलाता ये मेधी या मेथी कहलाता प्यारे दोस्तों। इसी के बाद यहाँ पर क्या बनाए जाते इसके जो चढ़ने के लिए क्या तरीके के सीढ़ियां वगैरह की इस तरीके के बनाए जाते हैं, इसको कहा जाता है पर दोस्तों यहाँ पर बार जो एंट्री होती है इसकी एंट्री बनाई जाती, और एंट्री बनाने के लिए एक द्वार बनाया जाता है, बार के बार क्या बनाया जाएगा भाई बार एंट्री के लिए क्या बनाया जाएगा इसका द्वार बनाया जाएगा, और एंट्री के लिए द्वार बनाया जाएगा तो क्या कंडीशन होगी इस तरीके का, यहाँ पर एक बड़ा सा द्वार बना दिया जाता बाहर जहां से इसकी एंट्री की जाती, कहाँ से बड़ा सा द्वार बना दिया जाता, और बड़ा सा द्वार खम्भों के ऊपर बना होता है इस तरीके का गोल सा द्वार पीछे है, ठीक है ये द्वार बना दिया जाता, और द्वार के ऊपर बढ़िया डिजाइनिंग वगैरह यहाँ पर कुछ बना दी जाती, और यहाँ पर कुछ स्तूप के वगैरह इसका नाम वगैरह लिख दिया जाता, ठीक है इस तरीके से यहाँ से एंट्री होती है। सामने वाला होता ये कहलाता था तोरण द्वार, ये क्या कहलाता भाई कहलाता तोरण द्वार, क्या कहलाता तोरण द्वार, क्या कहलाता भाई
तोरण द्वार कहलाता, क्या कहलाता था ये तोरण द्वार कहलाता था, यहाँ पर इस प्रकार के स्तूप हुआ करते थे, गोलाकार के हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो भाग है, ये जो पूरा भाग है, इसको कहते हैं अंड, क्या कहते हैं, अंडकोश या अंड, सॉरी अंडकोश नहीं, अंड भाग कहलाता है, कौन सा भाग कहलाता, अंड का भाग कहलाता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो है ये है सबसे पवित्र स्थल, सबसे सबसे पवित्र पवित्र स्थल, स्थल ये हर्मिका जो है सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, किसका, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ ये ऊपर वाला है वो छत्र कहलाता, क्या कहलाता, ऊपर वाले भाग को क्या कहलाते हैं, छत्र, क्या कहलाता, ऊपर वाला भाग छत्र कहलाता, और छत्र के ऊपर यहाँ पर तीन कलश रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, ये तीनों इस तरीके से कलश रखे जाते, क्या रखे जाते हैं, ये कलश रखे जाते, जो किसके प्रतीक है, ये प्रतीक किसके माने जाते हैं, ये प्रतीक माने जाते हैं बुद्ध, बुद्ध हम, हम और संघ के, संघ के प्रतीक माने जाते हैं, किसके प्रतीक माने जाते हैं, बुद्ध धम्म संघ के प्रतीक माने जाते हैं, ये तीन कलश रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, तीन कलश रखे जाते हैं ऊपर ही ऊपर, और ये बुद्ध धम्म और संघ के प्रतीक माने जाते हैं। पर दोस्तों इस प्रकार का ये स्तूप हुआ करता था, याद, ये किसका फोटो है ये भी ध्यान रखना भाई, ये क्या है, ये किसका फोटो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये है स्तूप, क्या है प्यारे दोस्तों, क्या है ये स्तूप, क्या है ये स्तूप का फोटो है, ये स्तूप का क्या फोटो है भाई, स्तूप, क्या है ये स्तूप का फोटो है, क्या है, क्या है ये स्तूप का फोटो, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं आप स्तूप का, ये बोध के स्तूप कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार तो मल्लव के द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकार के ऐसी अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनकी जो बॉडी थी उसको आठ पार्टों में, या इनकी हस्तियां जो इनको आठ पार्टों में बांटा गया, और आठ पार्टों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर उनको रखा गया, जहां पर जहां स्तूपों का निर्माण करवाया गया, क्या करवाया गया भाई, वहां वहां स्तूपों का निर्माण करवाया गया। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा प्यारे दोस्तों, चलेगा आगे बात करते हैं। चलेगा नेक्स्ट बात करें, तो ये तो हो गया, और बातें करते हैं, क्या, ये तो स्तूप वाली बात होगी, नेक्स्ट बात करते हैं बुद्ध ने, कहा जाता है कि सबसे पहले जो, क्या प्यारे दोस्तों, सबसे पहले किसको शिष्य बनाया, कहा जाता है एक तो भल्लिक, किसको, एक तो भल्लिक, और एक कहा जाता है तपस्सु, तपस्सु या तपस्सु नामक एक दो बन जा रहे थे, इनके द्वारा भल्लिक और तपस्सु नामक दो बन जा रहे थे, उनको क्या बनाया, सबसे पहले इनको शिष्य बनाया, भल्लिक और तपस्सु नामक बंजारे को सबसे पहले क्या बनाया था, इनको शिष्य बनाया था। ध्यान रखने, बौद्ध धर्म का सबसे पहले शिष्य या प्रथम शिष्य किसको बनाया था, बुद्ध ने सर्वप्रथम, बुद्ध ने, बुद्ध ने सर्वप्रथम, बुद्ध ने सर्वप्रथम भल्लिक भल्लिक व तपस्सु तपस्सु नामक बंजारों को अपना शिष्य बनाया, शिष्य बनाया, अर्थात दो ये व्यक्ति थे जिनको बुद्ध ने क्या बनाया था, अपना शिष्य स्वीकार किया, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आप, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बुद्ध के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, फिर बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है, किसकी स्थापना की जाती है, बौद्ध संघ की स्थापना, ठीक है, बुद्ध के द्वारा क्या की जाती है, बौद्ध संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ, ठीक है, बौद्ध संघ, और बौद्ध संघ किसके द्वारा चलाया गया भाई, बुद्ध के द्वारा, के द्वारा गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया बौद्ध संघ,
द्वारा चलाया गया, बोध संघ गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया। और इस बोध संघ में कहा जाता है स्थापना कहा जाता है कहां की, सारनाथ। स्थापना कहां पर की गई भी? इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कहां पर की गई? स्थापना, स्थापना कहां पर की गई बौद्ध संघ की? इसे सारनाथ, कहां पर की? सारनाथ, सारनाथ में की गई। की प्रमुख शर्तें थी, जो जो इसमें शामिल होगा ऐसे लोग जो बीमार, चोर, हत्यारा, ऋणी हो, राजा हो, सेवक हो, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी प्रवेश की शर्तें थी क्या? प्रवेश की शर्तें, प्रवेश की शर्तें क्या होगी? ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो, बीमार हो, ऋणी हो, दोषी हो, सेवक हो, राजा हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या की नहीं किया जाएगा, राजा का सेवक हो ऐसे व्यक्ति, और महिला को कहा जाता है कि इस संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी प्रकार से कोई बीमारी से बीमार हो, किसी प्रकार से पीड़ित हो, या किसी प्रकार से ऋणी हो, अर्थात जिसने किसी का उधार ले रखा हो, ऋणी कहलाएगा, सीधी सी बात। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि इसमें संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सत्य क्या है मैं लिखता हूं यहाँ पर, बीमार, चोर, हत्यारा, ऋणी, ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो बीमार, चोर, हत्यारा, ऋणी, बीमार, चोर, हत्यारा, ऋणी, सेवक, राजा का सेवक, राजा का सेवक, यानी कि राजा का सेवक होगा तो वो इधर काम करेगा, उधर काम करेगा, मतलब अपने को क्या नहीं करेगा, ठीक है, राजा का सेवक या दास कहते, राजा का सेवक या दास कह सकते हैं, इनको संघ में, बौद्ध संघ में, संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और महिलाओं, महिलाओं को भी, तो प्यारे दोस्तों, महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बौद्ध संघ में, संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रवेश नहीं। बौद्ध संघ में हत्यारा, बीमार, ये दुनिया भर की चीजें बनने देखी, इन लोगों को कहां पर बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और महिलाओं को भी प्रवेश लेने का अधिकार नहीं था भाई, कहा जाता है। और दूसरी शर्त जो कहा जाता है, कम से कम 15 वर्ष की आयु, बौद्ध संघ के लिए 15 वर्ष की आयु होना, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए कितनी, 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसमें प्रवेश के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और 15 वर्ष की आयु होने के साथ साथ कहा जाता है इसकी शर्त है, ये भी क्या है, एक शर्त है इसकी, 15 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, ऐसे लोग जो ये बीमार हो, व्यापारी हो, सारी चीजें बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता है। सभी वर्णों को संघ में प्रवेश दिया जाता था, ये भी ध्यान दे, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था हावी नहीं थी भाई, सभी वर्णों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिए की, यहाँ पर लिख दो, सभी वर्णों को संघ में प्रवेश लेने का अधिकार था, संघ में प्रवेश दिया जाता था, प्रवेश दिया जाता था, ठीक है।
कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, अर्थात किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो सबको बोध संघ में प्रवेश दिया जाता था, लेकिन ये बीमार नहीं होना चाहिए, दास नहीं होना चाहिए, किसी का ऋणी नहीं होना चाहिए, महिला नहीं होनी चाहिए, इनको छोड़, ठीक है, और कम से कम उसकी आयु कितनी हो, 15 वर्ष हो चुकी हो, तो इसको कहा जाता है बुद्ध के प्रधान शिष्य थे आनंद और उपाली। कौन थे? आनंद और उपाली बुद्ध के प्रधान शिष्य माने जाते हैं, और आनंद के कहने पर कहा जाता है ये कालांतर में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, महिलाओं को प्रवेश देते थे। और ये भी बात कहते हैं, ये भी कहते हैं कि अगर आज महिलाओं को इसमें संघ में शामिल कर दिया तो आने वाले 500 वर्षों में ये धर्म खत्म हो जाएगा, यानी पतन की ओर चला जाएगा। क्या? आनंद के कहने पर इनका प्रमुख शिष्य या प्रिय शिष्य हुआ करता था आनंद, और एक उपाली, दोनों शिष्य प्रमुख माने जाते हैं किसके? बौद्ध धर्म। याद रखना, तो याद रह जाएगा प्यारे दोस्तों, चलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ प्यारे दोस्तों। इसके बाद बौद्ध संघ की स्थापना कर ली हमने, बौद्ध संघ के बारे में और चर्चाएं करेंगे, नेक्स्ट क्या क्या बातें हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या महिलाओं को प्रवेश देंगे, क्या क्या बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चाएं करेंगे, और जुड़े रहिए, और मजा आने वाला है अगली क्लास में, और क्या क्या सीखने वाले हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में प्यारे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए डीजी सर क्लासेस के साथ।